ऑल फ्रेंड्स एंड बाय 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 2022। एंड फाइनली आज वो चला जाएगा रात में। एंड बहुत 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 ही ज़्यादा खुशी हो रही है गाइस कि हमने ये साल बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया और अब हम इसे बाय 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 करने वाले हैं और 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। सो बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। बिकॉज इसलिए खुशी हो रही है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं और 2023 में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है व्लॉगिंग को लेके, और कंटिन्यू तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया है। सो और चाहती हूँ कि मैं और मेहनत करूँ और मेहनत करूँ और आप लोगों के लिए रोज़ 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 व्लॉग लेके आऊँ। सो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ, सो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा कर दीजिए कि मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए। और नए चैनल पे नए नए लोग हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, और व्लॉग देख के आप लोग चले जाते हो सो ये बहुत बुरी बात है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और फाइनली मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज खाया है खुरमा, यानी कि पकवान। मैंने अपने के पिछले व्लॉग में आप लोग को बताया था जैसे कि हमारा फेस्टिवल क्रिसमस के दिन हम लोगों ने बहुत 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 सारा पकवान बनाया है, उसकी वजह से वो अभी बहुत सारा रखा हुआ है घर पर। सो जब तक ये सारी चीज़ें रहेंगी सो कोई एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट मैं नहीं करने वाली, मैं यही खाने वाली हूँ। आई नो ये मैदा का होता है सो डाइट पर इसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बट यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप लिमिट में कोई भी चीज़ खाओ तो आप मोटे नहीं होंगे, ठीक है। सो इसलिए मैं खाती हूँ थोड़ा बहुत, और जब तक अभी ये है तो तब तक तो मैं खाने ही वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाऊंगी, वो मेरा फेवरेट पकवान है गाइज, सो मैं कैसे उसे भूल सकती हूँ। सो मैं रोज खाती हूँ सुबह से, उतना भी नहीं खाती, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 इतना ही बस खाती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं खाती। सो आज हम सेलिब्रेट करेंगे 2022 को बाय करके, और हम बनाने वाले हैं आज लंच में चिकन करी। गाइस अभी चिकन आया नहीं है, आने वाला है, और बहुत 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 मज़ा आया इस साल में। और हम यही होप करते हैं कि आने वाला हमारा नया साल भी बहुत अच्छे से गुजरे, हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, आप लोग भी अच्छे से अपना बेस्ट दो, आप लोग जो भी लाइफ में करना चाहते हो खूब मेहनत करो अपना और ड्रीम पूरा करो गाइस। और मेरे व्लॉग में आप लोग बने रहिए और देखते रहिए, आई होप आप लोग को मज़ा आएगा, ठीक है। सो मैं दिखाऊंगी लंच में क्या है, और होप करूंगी कि रात तक व्लॉग बनाने का मौका मिल जाए मुझे, अगर नहीं मिला तो कल बनाएंगे यार न्यू ईयर का व्लॉग, है ना। मैं तो रोज़ ही आप लोग के लिए व्लॉग बनाती हूँ, सो आप लोग भी अपना थोड़ा बहुत प्यार दे दीजिए मेरे व्लॉग को, मेरे मुझे अपना सपोर्ट देकर। बस बाकी और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, आप लोग अच्छे से रहिए, व्लॉग देखते रहिए। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, सो जाइए ब्रेकफास्ट कीजिए और व्लॉग में बने रहिए और पूरा व्लॉग देखिए और दिल से सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं थोड़े ही देर बाद। कि ये है चिकन और इसमें मसाला और दही मिला के रखा गया है बिकॉज इसका बनाने वाले हैं बिरयानी। सो इसका लुक्स देखिए कितना यमी है, बट ये अभी बना नहीं है, बस इसको सिर्फ डुबा के रखा गया है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए और बिरयानी बहुत अच्छे से बने, इसलिए इसको यहाँ पे ऐसा रखा गया है। अभी मैं आई हूँ किचन में क्रीम रोल लेने के लिए बिकॉज मम्मी को खाना था, और देखिए मैंने क्यूट से कलर का नेल पेंट लगाया बिकॉज कल न्यू ईयर है इसलिए। सो फाइनली मैं अभी कुछ खाने का लेने के लिए आई, खाने का मतलब क्रीम रोल लेने आई हूँ। सो अभी भाई गया है मार्केट, वो चिकन लाएगा, फिर हम चिकन बनाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर पार्टी। कल भी पार्टी इंजॉय करेंगे और आज भी पार्टी इंजॉय करेंगे, सो फाइनली बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। सो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए, आप लोग भी बहुत मज़ा आएगा। मैं चिकन बनाऊंगी आज, और अभी मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ क्रीम रोल और बाहर जाके देने वाली हूँ मम्मी को। और मैं सुबह भी देखती हूँ खाऊंगी थोड़ा बहुत, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ही खाया, यानी कि अमरूद खाया है, सो पेट मेरा अभी भरा हुआ है, भूख नहीं लग रही है मुझे उतना। सो चलिए हम निकालते हैं क्रीम रोल, जाके मम्मी को देते हैं, और होगा तो खाएंगे, नहीं होगा मन नहीं करेगा तो नहीं खाऊंगी, वरना मैं बाहर बैठने चल रही हूँ गाइस। मुश्किल के बाद मुझे क्रीम रोल मिला, मैं ढूंढती रही ढूंढती रही ढूंढती रही, लास्ट में मुझे मिला, और देखिए ये रही मेरे क्रीम रोल। बहुत कम बचे हैं बिकॉज हम लोगों ने खा लिया था, सो जितना भी बचा है देते हैं मम्मी को अच्छा होके, ठीक है। सो बने रहिए आप लोग व्लॉग में और देखते रहिए एंड इंजॉय कीजिए, ठीक है।
चिकन आ चुका है और अब हम बनाएंगे चिकन करी। सो चलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं चिकन, और चिकन के साथ एक और सामान आया है यानी कि बनाना, दिखाती हूँ आप लोगों को। सो देखिए गाइस इतना सारा बनाना। सो आज होगी लगता है बनाना पार्टी। सो चलिए चलते हैं किचन में, और अब मैं आपको चिकन भी दिखा देती हूँ गाइस, ठीक है। पहले आप इसमें रख देती हूँ, इसके बाद हम चलते हैं किचन की ओर। सो अब हम मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ये देखिए चिकन। सो गाइस ये है चिकन, मैंने अभी तक इसे खाली नहीं किया है बॉईल में, सो मैंने इसे बॉईल में रख दिया फिलहाल। ये देखिए बॉईल में मैंने रखा है। सो फटाफट मैं धो देती हूँ इसको, ठीक है, फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी चिकन करी कैसे बनाया मैंने, और अगर हो पाया तो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। वैसे तो मैंने हमेशा हर व्लॉग में मैंने बना के दिखाया है कि मैं कैसे बनाती हूँ चिकन। सो होगा तो आज फिर से बना दूंगी मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आप लोग बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए गाइस। मैंने इस बॉल में बनाना खाली कर दिया है गाइस, देखिए ये इतने सारे हैं बनाना। सो फिलहाल मैंने इसमें रख दिया है, ये हमारा फ्रूट्स वाला बकेट है। सो हम इसमें सिर्फ फ्रूट्स ही रखते हैं, इसमें दो बकेट है। सो मम्मी ने इन दोनों को एक में जमा के रख दिया है, और चलिए चिकन को भी खाली करते हैं। फाइनली मैंने चिकन धो दिए हैं देखिए, और अब मैं इसे करने जा रही हूँ बॉईल। मैंने पानी चढ़ा दिया है, देखते रहिए। सो ये रहा पानी, और इसमें हम डालेंगे अब चिकन। सो मैं इसे कर देती हूँ बॉईल अच्छे से, जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा फिर उसके बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। सो हमारे यहाँ पे हम चिकन को बॉईल करते हैं फिर उसके बाद फ्राई करके ही बनाते हैं, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मम्मी का पता नहीं यार मुझे वो कैसे बनाती है। सो इसे बॉईल होने देते हैं फिर उसके बाद हम मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने आलू को भी कट कर दिया है, और मैंने इस सस्पेन में रख दिया है, और अब मैं आलू को भी करने जा रही हूँ बॉईल। जब ये बॉईल हो जाएगा फिर उसके बाद मैं इसे भी करने वाली हूँ फ्राई, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे चिकन करी। हम अपने चिकन में आलू भी डालने वाले हैं बिकॉज हमको बहुत 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 टेस्टी लगता है चिकन करी और आलू, इसलिए। चिकन हो रहा है बॉईल, आलू भी हो रहा है बॉईल, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ दोनों का वेट। जब ये दोनों हो जाएंगे बॉईल फिर उसके बाद मैं निकालूँगी, उसके बाद बनाना स्टार्ट करूँगी। सो न्यूज़पेपर तो आ चुका है गाइज, और मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक। सो मैंने सोचा कि यार चलो आप लोग को दिखाया जाए न्यूज़पेपर, और कहाँ पर रखा है रुको 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 दिखाते हैं। ये देखिए न्यूज़पेपर, मैंने आज नहीं पढ़ा बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का, इसलिए। सो ये ऐसे ही रखा हुआ है गाइस, और मम्मी ने राइस बना दिया है। मैं बना रही हूँ अभी चिकन करी, फिर उसके बाद हम लंच करेंगे, और अभी दोपहर के बज चुके हैं 12:30। सो आज हम लेट से लेट लंच करेंगे, ठीक है। सो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए गाइस, और जितना 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 हो सके आप लोगों से आप लोग मुझे उतना सपोर्ट कीजिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। सो मैं चलती हूँ किचन में, बिकॉज जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं कर रही हूँ वेट उन दोनों के पकने बॉईल होने का, है ना। सो हम चलते हैं किचन में और फटाफट बनाते हैं चिकन करी। कि आलू अभी तक बॉईल ही हो रहे हैं, और मैंने चेक किया था एक बार, और मैं आप लोग को फिर एक बार चेक कर देती हूँ। देखिए अभी इसे टच करने पे पता चल रहा है कि अभी टाइट है, यानी कि कड़क है, अभी तक ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुए, यानी कि पके नहीं है। पके नहीं है इसका मतलब ये बॉईल हुए ही नहीं है। सो इसे मैं और थोड़ा सा वेट करूँगी बॉईल होने का। चिकन भी अभी तक बॉईल नहीं हुआ है, देखिए ये भी अभी पक ही रहे हैं, इसमें भी टाइम लग रहा है, उसमें भी टाइम लग रहा है। सो मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, चिकन बनाने में बहुत टाइम जाता है यार, और ये जल्दी नहीं बनता, इसलिए आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग। कोई बात नहीं, वेट करेंगे तो और भी अच्छा बनेगा। बस फाइनली चिकन बॉईल हो चुका है देखिए, और अब मैं इसे करने वाली हूँ फ्राई। अभी मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा रखी है, वो गर्म हो रहा है, फिर हम उसमें ऑयल डालेंगे, फिर इसे फ्राई करेंगे, ठीक है।
सो मैं इसे फ्राई करने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। भी रेडी है चिकन में डालने के लिए और मसाला भी रेडी है। ये पेस्ट है लहसुन अदरक का जिसमें हम चिकन करी बनाएंगे, और ये वाला बॉक्स है हल्दी मिर्ची का, ठीक है। आप लोग को पता ही है सब कुछ बनाने से पहले हम अपने घर पे रेडी रखते हैं। और फाइनली आलू भी हो चुका है बॉईल, देखिए गाइस। और अब हम इसको अभी फ्राई करेंगे, अभी चिकन फ्राई हो रहा है, फिर मैं फ्राई होने के बाद आप लोग को चिकन दिखाती हूँ, फिर इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। चिकन को मैंने फ्राई कर दिया है, देखिए ये हो चुका है फ्राई। और अब मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। भाप काफ़ी ज़्यादा है, देखिए फाइनली मैंने आलू को भी रोस्ट कर दिया है, यानी कि इसे फ्राई कर दिया है, रोस्ट नहीं किया है। और चिकन भी दोनों मैंने फ्राई फाइनली कर दिए, और अब मैं जा रही हूँ चिकन करी फाइनली बनाने के लिए, ठीक है। सो बने रहिए आप लोग व्लॉग में, और पूरा व्लॉग देखिए गाइस। फाइनली ग्रेवी बनना स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही ग्रेवी रेडी हो जाएगा सो मैं फ्राई चिकन एंड आलू को उसमें डाल दूंगी, और थोड़ा टाइम और लगेगा उसको पकने में गाइस। फिर उसके बाद ही हम लंच कर पाएंगे, और आप फाइनली बच चुके हैं 2, तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है हमको लंच करने में, एंड कोई बात नहीं, आज 2022 का लास्ट मंथ है, इसे हम बाय बाय कर रहे हैं, और उसकी खुशी में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं चिकन करी खा के। और बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं बना रही हूँ चिकन करी, और मेरे हाथ का चिकन बहुत 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 टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी बनता है, एंड मुझे अपने ही हाथ का बना हुआ चिकन खाना पसंद है। और मैं बाहर का खाना खाती हूँ, बट मुझे उतना पसंद नहीं आता चिकन करी बाहर का, सिर्फ मुझे मेरे ही हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत 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 टेस्टी लगता है। बाहर का खाना भी अच्छा होता है गैस, लेकिन जो टेस्ट की अगर बात करूँ वो टेस्ट मुझे नहीं मिलता, बस यही बात है। सो आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और हम बहुत खुश हैं कि हम अच्छे से इस साल को सेलिब्रेट किए, और ये साल फाइनली कंप्लीट हो चुका है 2022, और ये जा रहा है, और एक नया साल आने वाला है यानी कि 2023 कल हम उसमें नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। सो मैं यही होप करूँगी कि सबका सबके लिए वो कल का जो नया साल है वो अच्छा जाए, आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ें, जो भी काम कर रहे हैं में बहुत ही ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। लाइफ में हार ना माने, हमेशा आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, कोशिश करते जाएं, एक दिन आप लोगों की जीत ही होगी गाइस, बिकॉज़ मैं भी उसी चीज़ पे चल रही हूँ, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ बहुत बहुत बहुत, और एक दिन मेरी भी जीत हो के ही रहेगी, बस आप लोगों का सपोर्ट मिल जाए फिर तो समझो जीत मिल ही गई, और क्या बोलूँ। बस वेट कर रही हूँ कि बन जाए जल्दी से मेरा चिकन करी, और मैं खाने के लिए चली जाऊँ, लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख, बिकॉज टाइम हो गया यार 2 बज चुके हैं। वेट 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 हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, फिर भी वेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बन रही ब्लॉग में और देखते रहिए, और प्लीज़ कहीं हो जाइए गाइस। मैंने चिकन आलू को मसाला में डाल दिया है यानी कि ग्रेवी में, और अब इसे पकने देते हैं, फिर ये फाइनली बन जाएगा और मैं चली जाऊंगी लंच करने। सो देखिए फाइनली चिकन करी बनने वाला है, और इसका लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है गाइस, लुक्स वेरी 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 यम्मी। अगर आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलना ना करें, प्लीज़ मत भूलिएगा। इतना स्वीट बोल रही थी कि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों को क्या बोल रही हूँ। देखिए इसका लुक्स कितना प्यारा लग रहा है, देखा आप लोगों ने, मैंने चिकन को डाल दिया है ग्रेवी में, और अब पक रहा है, थोड़े टाइम और चाहिए उसको पकने के लिए, इसके बाद वो बन के रेडी हो जाएगा, और हम लंच करने चले जाएंगे, और फाइनली खाने को मिलेगा। यार भूख लग रहा है, उसका लुक काफ़ी ज़्यादा यम्मी लग रहा है। सो मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, एंड करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट करना पड़ेगा क्योंकि अगर एंड नहीं करूँगी अभी सो कल का व्लॉग कैसे बनाऊँगी। सो आज का व्लॉग मैं यहीं तक ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ नए साल के दिन में, यानी कि न्यू ईयर के दिन में 2023 में, ठीक है। सो आज का लास्ट 2022 के दिन में लास्ट वाला मंथ, और ये मेरा 2022 का आखिरी वीडियो है,
कल से तो नए साल के साथ एक न्यू व्लॉग फिर से स्टार्ट करेंगे। सो इस साल को हम करते हैं बाय बाय और मिलेंगे कल एक नए साल में नए व्लॉग के साथ, ठीक है। सो बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा और लंच डिनर सब कुछ कर लेना, ठीक है, भूलना मत याद से और अपना ख्याल रखना। बाय बाय एंड एडवांस टू विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो बाय बाय, मिलेंगे कल।